Hello everyone, today we are going to discuss a floor based puzzle. So this is the floor based puzzle and try to solve this puzzle. आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस पज़ल को बनाने की कोशिश करिए. सो नाउ आई होप आपने इसे बनाया होगा. तो अब हम इसे देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं. सो इसमें 8 लोग हैं और उनके यहाँ पे एज दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि वो कैसे कैसे अरेंज हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लोर्स बना लेंगे. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो 7 फ्लोर्स आर देयर. तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सी और ई, देर आर टू पीपल बिटवीन ई एंड सी. सो देर आर टू पीपल बिटवीन ई एंड सी. सो टू डॉट मीन्स टू पीपल. एंड एच इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन एंड ही डज नॉट लिव ऑन इवन. डज नॉट लिव मीन्स ही लिव्स इन ऑड. सो एच इज़ ओल्डेस्ट मीन्स एच इज़ 45 एंड ही इज़ लिविंग इन ऑड फ्लोर. देर आर टू पीपल बिटवीन सी एंड द वन हुज एज इज थर्ड यंगेस्ट. सो द एजेस आर 5, 11 एंड 15 एंड सो ऑन. सो द थर्ड यंगेस्ट इज 15. सो देर आर टू पीपल बिटवीन सी एंड द पर्सन हु इज 15 ईयर्स ओल्ड. तो सी और 15 के बीच में दो लोग हैं, क्योंकि कहा गया है कि सी जो है और जो थर्ड यंगेस्ट है, यानी कि थर्ड यंगेस्ट हो जाएगा हमारा 15 ईयर्स वाला, तो उन दोनों के बीच में दो लोग हैं. अब बी जो है लिव्स जस्ट अबव हु इज़ 5 ईयर ओल्ड, यानी यहाँ पे अगर 5 ईयर वाला है तो उसके जस्ट ऊपर जो है वो बी रहता है. जस्ट ऊपर आई एम डिनोटिंग दिस बॉक्स एंड 5 इज़ एज नॉट द फ्लोर. सो आई हैव रिटन ए ओवर देयर. नाउ ईज एज इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. नाउ अमंग ऑल दीज एजेस देर इज़ ओनली 36 ईयर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. मीन्स 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 6. तो 36 जो है वो ई का एज हो जाएगा. तो ई इज़ 36 ईयर्स ओल्ड. वी कैन राइट दिस. नाउ बी लिव्स इन इवन फ्लोर, ई वी आई हैव रिटन ओवर देयर. नाउ ई लिव्स ऑड नंबर फ्लोर, ई जो है वो ऑड पे रहता है. उसके बाद आता है कि जो नाइदर जी नॉर एफ लिव्स ऑन 7th फ्लोर. तो यहाँ पे ना जी है ना एफ है, तो दोनों लगा के हम क्रॉस कर दिए. नाइदर जी नॉर एफ लिव्स ऑन 7th फ्लोर. अब उसके बाद बी के एज के बारे में है एंड सो ऑन. तो हम पहले ये जो द थिंग्स विच वी हैव रिटन हियर, वी कैन सॉल्व प्लॉट दिस इन द डायग्राम. तो हम सबसे पहले ई से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ई जो है वो ऑड नंबर पे है. तो ई पहले 1st नंबर पे आ जाएगा, 1st फ्लोर पे. अब इससे 2 छोड़ के सी आ जाएगा और सी से 2 छोड़ के 15 आ जाएगा. मीन्स सॉरी देर इज़ 2 पीपल गैप. सो ई 2 पीपल गैप मीन्स 4th फ्लोर एंड देन 2 पीपल गैप इज 7th फ्लोर 15. सिमिलरली द सेकेंड पोजिशन फॉर ई इज़ द 3rd फ्लोर. बट वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट ई कैनॉट बी प्लेस्ड ऑन द 3rd फ्लोर बिकॉज 2 पीपल गैप वी कैनॉट मार्क सी नाइदर 15 इन द फर्स्ट बिकॉज देर इज़ नो फ्लोर बिलो 1 फ्लोर. सो दिस पॉसिबिलिटी ऑफ ई गेट्स कैंसल्ड. सो नाउ वी हैव 3rd पॉसिबिलिटी ऑफ ई विच इज़ ऑन 5th फ्लोर. सो इफ वी आर मेकिंग ई हेयर देन 2 पीपल गैप विल मेक सी हेयर एंड देन 2 पर्सन गैप फ्रॉम सी. देर इज़ नो पोजिशन अगेन फॉर डाउनवर्ड्स डिरेक्शन एंड ई इज़ नॉट 15 ईयर्स ओल्ड, ई इज़ 36. सो ई कैनॉट बी 15. सो दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड. मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में क्या कहा कि जो ई है उससे 2 छोड़ के सी होना चाहिए. तो अगर हम ई को 5th फ्लोर पे बनाते हैं तो 2nd फ्लोर पे सी तो आ जाएगा, लेकिन सी से 2 छोड़ के 15 होना चाहिए. तो 15 कहाँ जाएगा? 15 ई के जगह पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि ई जो है वो हमारा 36 है. तो इसीलिए यहाँ 15 नहीं आ सकता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी जो है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी. सो नाउ देयर इज़ ओनली 2nd पॉसिबिलिटी विच इज़ लेफ्ट फॉर ई विच इज़ ऑन द 7th फ्लोर. तो ई जो है वो ऑड पे था, तो इसीलिए ई कम्स इन द 7th फ्लोर. फिर ई से 2 पीपल गैप, देन वी हैव सी एंड सी 2 पीपल गैप, देन वी हैव 15 ईयर ऑफ पर्सन ऑन द 1st फ्लोर. यहाँ तक हो गया. उसके बाद हम आते हैं कि बी एज इज़ नॉट 11 एंड 17. तो बी जो है ना वो 11 है ना वो 17 है, क्रॉस क्रॉस करके रख दिया. द वन हु लिव्स ऑन 2nd फ्लोर
his age is even number but he is not 24. So this is very important that second floor person is even years old and he is not 24. And there are only two age person which is even, that is 24 and 28. And he is not 24, so he is only 28. So 28 confirm hamara yahan pe 28 year ka person aa jata hai second floor pe. Ab A lives on even number floor above B. तो B के ऊपर A लिख के हम यहाँ पे even दिखा देते हैं. उसके बाद now we will try to place B. B lives on even floor. तो B कहाँ कहाँ आ सकता है? 2, 4, 6, 8. So we will start with 2. That 2 पे B नहीं आ सकता because जो E है वो 36 है. 36 हम यहाँ E का age लिख देते हैं और हम यहाँ पे भी E का age 36 लिख देते हैं. तो जो B है वो now we will try to solve in the left possibility. हम पहले left वाले इस तरफ वाले में solve करेंगे. तो B जो है second floor पे नहीं आ सकता, fourth पे नहीं आ सकता because C is already present. Six पे आ सकता है तो B six पे आ जाएगा, तो 5 year वाला 5 पे ही आ जाएगा. ये एक हो गया. इसके बाद अब right side वाले में देखें तो B जो है वो similarly second पे नहीं आ सकता, four पे नहीं आ सकता, वो भी sixth पे आ जाएगा और 5 वाला 5 पे आ जाएगा. Now what we are getting is A is even and he is above B. So above B only one even is left which is on the 8th floor. So A jo hai wo hamara 8th floor pe aa jayega. Now we will move back to the puzzle that there are two people living between G and A. So G and A agar 8th pe hai to two people means G jo hai wo 5th floor pe aa jayega. दोनों ही केसेस में जी जो है वो हमारा फिफ्थ फ्लोर पे आ जाएगा बिकॉज ए जो है वो 8th फ्लोर पे है. उसके बाद डी लिव्स इवन नंबर. नाउ डी लिव्स इवन नंबर, सो इन द लेफ्ट साइड पॉसिबिलिटी व्हाट इज़ इवन? टू इज लेफ्ट, ओनली टू इज लेफ्ट, सो डी आ जाएगा यहाँ पे बिकॉज सिक्स इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड, एट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड एंड इन राइट साइड ऑल्सो डी वहीं पर आएगा. D is there. Now the ages we have to set that there are only that A whose age is prime number but he is younger than F. Now what we will see here that in the left side F and G, लेफ़्ट और राइट किसी में भी एफ़ और जी जो है वो सेवन्थ पे नहीं आ सकते. तो एफ़ जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ थर्ड फ्लोर पे आ सकता है. इसमें भी हम एफ़ यहाँ पे लिख सकते हैं. अब हम लोगों के पास क्या बचा है? एच बचा है जो कि ऑड फ्लोर में आना चाहिए और एच जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए. तो एच ऑड एंड 45, सो वी कैनॉट प्लेस एफ़ इन द थर्ड फ्लोर बिकॉज नाउ where we can place H because for H we need to require odd position and age is also 45. तो इसीलिए यहाँ पे F को हम delete कर देंगे, F को हम 15 number पे डाल देंगे और H को हम 45 पे लिख देंगे. H 45 इधर भी आ जाएगा but in the left side now there is no chance to place F because only 7th floor is left और वहाँ पे F नहीं आ सकता. तो इसीलिए जो लेफ़्ट साइड पॉसिबिलिटी है दैट बिकम्स रॉन्ग और जो हमारा ये राइट साइड पॉसिबिलिटी है ये सही हो जाता है. नाउ द एज फॉर ए एंड सी इज लेफ्ट, दैट ए एज इज प्राइम नंबर एंड ही इज़ यंगर देन एफ. सो द एजेस एफ का एज अगर एफ इज 15, सो द एजेस विच आर लेफ्ट आर 5 and 11. सो 5 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विथ जी, so only 11 is left. So A is 11 years old and what is the age which is left for C is 17 years old. 17 years old is left because B cannot be 11 and 17 and for B the age which is left is 24. तो दिस इज़ द करेक्ट डायग्राम. तो ये हमारा करेक्ट डायग्राम हो जाता है. मैंने लास्ट के लाइंस में ये बताया कि मैंने लेफ़्ट पॉसिबिलिटी को कैंसिल इसीलिए किया क्योंकि सेवन्थ फ्लोर पे ना एफ़ आ सकता था
ना जी आ सकता था, जी तो पहले ही फिफ्थ फ्लोर पे चला गया तो इसीलिए एफ तो वहाँ पे आ नहीं सकता था, तो लेफ्ट के लिए एफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। तो अगर हम इस पूरे सब चीज़ को मिटाएं तो जो हमारा ये राइट साइड वाला है ये बिल्कुल सही यहाँ पे बन जाता है। सो नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पजल। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर। तो फिफ्थ फ्लोर जो है, आई विल मेक दिस मोर जूम। तो यहाँ पे कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर पे जो है वो जी है, तो हमारा जी जो है ओके तो जी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन सेज दैट हु अमंग द फॉलोइंग इज 28 ईयर्स ओल्ड। सो 28 ईयर्स ओल्ड इज़ डी। सो डी इज़ करेक्ट, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कहा गया है कि 28 ईयर्स का कौन है, तो वो डी है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेज दैट सी लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर। सो सी लिव्स ऑन, दिस इज़ द फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो फोर्थ फ्लोर यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। तो जो 17 ईयर्स ओल्ड है वो है हमारा सी। सो सी यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, हाउ मैनी पीपल लिव्स बिटवीन ए एंड एच। सो ए इज़ ऑन द 8th फ्लोर एंड एच इज़ ऑन द 3rd फ्लोर। तो 1, 2, 3, 4, फोर पीपल लिव। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ए और एच के बीच में कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं, तो हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। थैंक यू।